मनदीप की पंजाबी रसोई में आज आपका स्वागत है। आइए आपको बताएं घर पर शिमला मिर्च डालकर आमलेट कैसे बनाया जाता है। यह हमने एक अंडा लिया है और हमने ये शिमला मिर्च लिया है जिसे हमने कद्दूकस कर लिया है। एक हरी मिर्च लिया है जिसे हमने बारीक काट लिया है। छोटा सा प्याज लिया है जिसे भी हमने बारीक काट लिया है। लाल मिर्च पाउडर, नमक, गर्म मसाला या ऑयल लिया है। ये थोड़ा सा हमने दूध लिया है जो आमलेट में डालने के लिए। इससे आमलेट का टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है और आमलेट जो है फूलता भी बहुत ज़्यादा है। पहले हमने जो अंडा लिया था उसे एक कटोरे में निकाल लेंगे तोड़कर। फिर हमने जो हरी मिर्च ली थी वो डालेंगे। हमने जो शिमला मिर्च ली थी कद्दूकस की वो डालेंगे। प्याज लिए थे वो डालेंगे। गरम मसाला, गरम मसाला आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर वो हम हल्की सी डालेंगे क्योंकि हमने हरी मिर्च का प्रयोग किया है इसमें। नमक आप स्वाद के अनुसार अपना डाल सकते हैं। दूध का हम एक चम्मच डालेंगे इसमें और इसे अच्छे से फेंट लेंगे। इसे अच्छे से फेंटना है कि जब तक इसमें थोड़ी सी झाग ना बनने लगे। हमने गैस के ऊपर तवा रख दिए, चढ़ा दिया है और हमारा तवा जो है अच्छे से गर्म होना चाहिए। ये देखिए हमारे जो अपने हाथ को भाई हल्का हल्का जब सेक लगने लगे तो आप उसके ऊपर आमलेट बनाएं, बहुत अच्छा बनेगा। इसमें पहले हम ऑयल डालेंगे। ऑयल को अच्छे से सारे तवे पर फैला देंगे। फिर हमने जो ऑमलेट का मिश्रण लिया था वो डाल देंगे इसमें। इसे चमचे की सहायता से अच्छे से फैला देंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में ही, खाने में ये बहुत स्वादिष्ट होता है। और गैस को हम बिल्कुल कम कर देंगे और हल्का हल्का घी इसके ऊपर अच्छे से इसके लगा देंगे। इसे हल्के हल्के दबाकर हम इसे अच्छे से सेकेंगे। देखिए हमारा जो ऑमलेट है कैसे फूल गया है अच्छे से। ये दूध डालने से ये बहुत अच्छा फूलता है और बहुत ही स्वादिष्ट बन जाता है। आपको ऐसा लगेगा कि आप पिज्जा खा रहे हैं, ये ऑमलेट नहीं। ये देखिए कितना अच्छा फूल गया है। ये हमारा जो ऑमलेट है तकरीबन बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए जो हमारा आमलेट है अच्छे से बनकर तैयार हो गया। हम गैस को बंद कर देंगे और आमलेट को प्लेट पर निकाल देंगे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है हमारा आमलेट। ये शिमला मिर्च जो हमने डाली है इससे जो इसका स्वाद है बहुत अच्छा हो जाता है। अब हम इसे सॉस के साथ हम सॉस के साथ खा सकते हैं। इसे आप इसको चाहे ग्रीन चिली के साथ भी खा सकते हैं, रेड चिली के साथ भी खा सकती है, पर हमने टोमेटो सॉस का इसमें इस्तेमाल किया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू।